माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोरा करे हो राम, रही जाती हम यही नगरिया, रही जाती हम यही नगर, जाती ना अपना घरे हो राम, रही जाती हम यही नगर। नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य, आइए एक देवी गीत सीखते हैं। पवन जी का गाया हुआ गीत है और आप सभी के ही फरमाइश पर ये गीत है, तो आइए आज हारमोनियम पर हम लोग इसको नोटेशन के साथ में सीखते हैं। तो गाना चालू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्वर कौन कौन से लगा है और कहाँ से गाना कहाँ तक बजेगा, फिर इसको विस्तार में समझते हैं। मैं प्ले करूँगा हमेशा की तरह सी सार पहली काली, ये मेरा सा रहेगा, तो गाना बजेगा यहाँ से लेकर के ध तक आएगा, बजेगा तीन स्वर इधर और तीन स्वर ये छः स्वर पर बज जाएगा। सारे ग म प ध, तीन स्वर ये, तीन स्वर ये, और नीचे के स्वर में एक स्वर लगेगा कोमल नी। अब इसमें दो स्वर लग रहा है कोमल नी नीचे का और ग, बाकी सारे के सारे स्वर शुद्ध हैं। सा रे ग कोमल म प ध सब शुद्ध, तो इतना ही स्वर में गाना बज जाएगा। तीन स्वर इधर छः और एक नीचे गए सात स्वर में, जबकि उनका ओरिजिनल स्केल है यहाँ से, लेकिन मैं गाना यहाँ से बताने जा रहा हूँ। आप सभी का जिधर से भी स्केल होगा उधर से आप बजा सकते हैं, सरगम वही लगेगा, नोटेशन वही लगेगा। तो आइए इस गाना को समझ लेते हैं। आपका जिधर से स्केल बनेगा उधर से आप इसको बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में मैं यहाँ से भी इस गाना को प्ले करके दिखा दूंगा आप सभी को, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। तो गाना बज रहा है, पहला लाइन देखिए, एक लाइन बिल्कुल स्लो में, फिर नोटेशन समझते हैं। चालू से सा से चालू हो रहा है यहाँ से, माई के धामवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, रही जाती हम यही नगरिया, रही जाती हम यही नगर, जाती ना अपना घरे हो राम, रही जाती हम यही नगरिया। पहला लाइन इस प्रकार है मुखड़ा का, आइए नोटेशन समझते चलते हैं। माई के जो बज रहा है दो स्वर पर बज रहा है, माई के धामवा, माई के धामवा। अब देखिए म को दबा करके धामवा बोलना है, माई के बज रहा है माई के धामवा, सारे मा माई के धामवा देख के। अब देख के जो बोलना है पूरा म पर बज रहा है, हम म को दबा करके भी बोल सकते हैं, नहीं तो म म म भी बोल सकते हैं। माई के धामवा देख के ऐसन मनवा, ऐसन मनवा गम पम ग, ऐसन मनवा गम पम गम पम गम पम ग मोरा करे हो राम, मोरा रेसा करे हो राम, सारे गरे सा सारे गरे सा करे हो राम, ऐसा हो रहा है। माई के धामवा देख के ऐसन मनवा मोरा करे हो राम, रही जाती हम। अब देखिए रही जाती हम कैसे बज रहा है, रही जाती हम, रही जाती हम सा सारे सान यही यही सा पर बज रहा है पूरा, यही नगरिया, रही जाती हम यही नगरिया, यही नगरिया, यही का बज रहा है सा,
नगरिया का बज रहा है रेगा रेसा। रही जाती हम यही नगरिया सारे गरे सास। अब ये दो बार बज रहा है, एक बार बज रहा है रही जाती हम यही नगरिया, फिर बज रहा है रही जाती हम यही नगर, तो यहाँ रुकना है। अब ये दोनों में अंतर समझ लेना है। रही जाती हम सारे सानी सारे सानी, रही जाती हम सारे सानी यही नगरिया यही नगरिया, सारे गरे सा सारे गरे सा। अब ये एक बार और बज रहा है रही जाती हम, तो रही जाती हम का पूरा वही नोटेशन रहेगा, रही जाती हम सारे सानी यही, रही जाती हम सारे सानी यही नगर। अब यहाँ रुकना है। नी सारे सा यही नगर। अब जईती ना अब म पर रुकना है। जईती ना अपना घरे हो राम, जईती ना सारे म जईती ना सारे म अपना घरे सा अपना घरे हो राम, सारे घरे सा सारे घरे सा घरे हो राम। तो इस प्रकार ये मुखड़ा का लाइन है। एक बार और बिल्कुल स्लो में बजा देता हूँ, देख लीजिए, फिर अंतर अब चलते हैं। माई के धामवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, रही जाती हम यही नगरिया रही जाती हम यही नगर, जाती ना अपना घरे हो राम रही जाती हम यही नगरिया। इतना बजा लेते हैं तो मुखड़ा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अंतरा पर। अंतरा भी बहुत बिल्कुल आसान है। अंतरा चालू होगा म से, यहाँ से बिस्डो जी आई गोहरावे ले शंकर जी डमरू बजावे ले, बीड़ा के तान पर नारद बाबा माई भजनिया सुनावे ले। बस इतना बजाना है, इतना बजाते हैं तो गाना कंप्लीट हो जाएगा। बिस्डो जी आई गोहरावे ले शंकर जी डमरू बजावे ले, बीड़ा के तान पर नारद बाबा माई भजनिया सुनावे ले। इस तरह है। आइए इसका नोटेशन समझ लेते हैं। अब विष्णु जी आई जो बज रहा है पूरा म पर बज रहा है। म को दबा करके क्या क्या बोल रहा है, विष्णु जी आई गोहरावे ले। अब विष्णु जी आई म पर बज रहा है, विष्णु जी आई म को दबा के बोलना है, नहीं तो म भी बोल सकते हैं जैसे आपको सुविधा लगे। विष्णु जी आई गोहरावे 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 तक यहाँ आ रहा है ग पर। गोहरावे पध पमग गोहरावे ले, ले का बज रहा है रेसा रेसा ले शंकर जी। अब शंकर जी देखिए पूरा बज रहा है नीचे की नी पर। शंकर जी डमरू, अब डमरू जो बज रहा है सा पर बज रहा है, ये सब ध्यान देने वाली चीज है। शंकर जी डमरू बजावे ले गरे सा बजावे ले। एक बार और देख लीजिए, विष्णु जी आई गोहरावे ले
शंकर जी डमरू बजावे ले। इसका दूसरा लाइन जो है सेम टू सेम इसी नोटेशन पर है। कैसे? बीड़ा के तान पर नारद बाबा माई भजनिया सुनावे ले। अब बीड़ा के बत्तक बज रहा है म पर, बीड़ा के म म म बोलिए, नहीं तो म के दबा के बोलिए। बीड़ा के तान, बीड़ा के तान, तान पर, तान पर, अब तान पर जो बज रहा है, बज रहा है पधा प, तान पर नारद मग बाबा रेसा रेसा माई, माई पुरानी पर माई भजनिया, भजनिया सा पर माई भजनिया निशा माई भजनिया सुनावे ले गरे सा सुनावे ले। क्लियर? फिर हम आएंगे वहां शुरुआती वाला लाइन पर। माई दुवरिया देवतों के राजा रोजो पनिया भरे हो राम रह जाती हम यही नगरिया रह जाती हम यही नगर जाती ना अपना घरे हो राम रह जाती हम यही नगरिया। सेम नोटेशन है। अब ये कैसे हो रहा है? माई दुवरिया, अब देखिए माई दुवरिया सा, माई पूरा सा पर, दुवरिया रे पर। माई दुवरिया सा रे माई दुवरिया देवतों के राजा, अब देवतों के राजा देखिए माँ को दबा के मैं बोल रहा हूँ। माई दुवरिया देवतों के राजा रोजो पनिया गम पम ग गम पम गरे सा रोजो पनिया गम पम गरे सा भरे हो राम सारे गरे सा भरे हो राम। फिर रही 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 जाती हम रही जाती हम सारे सानी रही जाती हम यही नगरिया सारे गरे सा। अब फिर एक बार बोलेंगे इसको, रही जाती हम सारे सानी यही नगर यही नगर निसा रे सा जयती ना सारे मा अपना घरे सा घरे हो राम सारे घरे सा घरे हो राम। बस इतना ही है, इसी पर सारा अंतरा बजा हुआ है। तो ये तो रहा, मैं सी शार्प से बताया हूँ, आपका स्केल जिधर से होगा उधर से बजाइए। ओरिजिनल गाना यहाँ से बजा हुआ है, पवन जी यहाँ से गाए हैं। इस तरह यहाँ से गाना ओरिजिनल बजा हुआ है, आप यहाँ से भी बजाएंगे नोटेशन, इसको सा मान के चलेंगे तो सा रे कोमल ग ये बन जाएगा, म प ध ये बन जाएगा, ध तक गने बज रहा है तो यहाँ से भी आप बजा सकते हैं। अब कोमल नी तो नीचे स्वर में नी बन जाएगा तो यहाँ से भी बजा सकते हैं। आपका स्केल डिजर से होगा उधर से बजाइए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा। आप सब इसको तैयार करें और इसका आनंद उठाएं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।